नौकरी देने का मोदी जी वादा किए थे, 9 साल हो गया है ना? बिल्कुल 2 करोड़ का मतलब 18। वो तो बोल रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। आप एक बात बताइए, 400 का गैस सिलेंडर था, 1200 में दे रहे हैं। बिल्कुल इसके लिए क्या इंसानियत? अब इंसानियत सर्वसार हुई है। और जहाँ तक मोदी जी का है, मौनी बाबा बने हुए थे। एक बात बताइए, इतना दुख का बात है, इस पर कुछ कहने लायक कोई नहीं। कहें कि देश का इज्जत है, मैंने हम लोग आपको पूर्ण लोग कहेगा। बिल्कुल सही, फ्रॉड है उसको तेज तरार और ये कहेगा। अच्छा, तो मोदी जी फ्रॉड है इसलिए लोग कहता है, और ये नेक दिल इंसान है। अच्छा सर, कल का सर कल बताया जाए कल किस तरह का कार्यक्रम है, और बिहार के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो आ रहे हैं, और आप लोग किस तरह का तैयारी उनके लिए कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और कांग्रेस के बहुत बड़ा नेता हैं, और इनके साथ हमारे CLP शकील अहमद खान साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के तेज तरार नेताओं में, प्रखर प्रवक्ता में, और कांग्रेस पार्टी के लगातार विधायक रहे हैं, और उसके बाद से उनका AICC बिल्कुल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव लगातार रहे हैं, और उनका भी पदार्पण हो रहा है, और कांग्रेस के अधिकतर विधायक और लोग आए। सर, स्थान कहाँ निर्धारित किया गया ताकि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आम जनता है इस सभा में अब पहुंचे? हम लोग टाउन हॉल में ही जी स्थान ये किए हैं। अच्छा। टाउन हॉल में करीबन 11 बजे पहुँचेंगे। 11 बजे अच्छा, कितने तादाद में कार्यकर्ताओं की आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि काफ़ी ये प्रोग्राम बहुत बड़े स्तर पर आप लोग कर रहे हैं, सीवान के लिए एक बहुत बड़ा कल दिन होगा। देखिए, सीवान कल देख लेगा कि कांग्रेस कितना मजबूत है, और कांग्रेस के जो लोग हैं सब अपना तन मन धन लगा करके यहाँ पर आ रहे हैं। कांग्रेस को लोग जुटाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, केवल बता देना है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का मीटिंग है, कांग्रेस आ रहे, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं। यहाँ के जो पुराने कांग्रेसी हैं, बिल्कुल जो दलित समाज से आते हैं, हमारे खड़गे साहब ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दलित समाज से आते हैं। राष्ट्रीय लेवल के भी नेता कल यहाँ सीवान में आ रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो दलित समाज का सम्मान जो करती है, उसके चलते दलित तो अकलियत का जो सम्मान करती है, जो हमारे तारिक अनवर साहब हैं, वो केरल के प्रभारी हैं जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, और उनके टिकट का सिग्नेचर ना तारिक अनवर साहब करते हैं। इसलिए अकलियत का इज्जत, दलितों का इज्जत, और जितने जात धर्म के लोग हैं सबका सम्मान कांग्रेस करना जानती है, सबके साथ कांग्रेस है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम होने वाला है सर, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? इसमें जितने जो अभी तक बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसको समाप्त करवाने के लिए हम लोग जन जन तक जाएंगे, और वो हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं कि सबको दिशा निर्देश देंगे, सबको अपना कार्यक्रम बताएंगे कि आप वहाँ आप लोग ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे करिए, कि बताइए कि जितने भी नौजवान हैं, 18 करोड़ नौकरी देने का मोदी जी वादा किए थे, 9 साल हो गया है ना? बिल्कुल 2 करोड़ का मतलब 18। वो तो बोल रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। आप एक बात बताइए, 400 का गैस सिलेंडर था, 1200 में दे रहे हैं। बिल्कुल महंगाई, टमाटर 200 रुपया किलो है, तेल आपको 100 के पार है, और जितना महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार ये है। कुछ लोग तो कह रहे हैं 5000 भी सिलेंडर होगा तो भी हम खरीदें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करिए ना, घर मोदी एक काम करिए ना, वो जो कह रहा है ना उसे कहिए कि आप 5000 रुपया जा करके सिलेंडर का दाम जमा करो, अगर मैंने 1200 दे दो, 3800 रुपया ना आप मैंने भारत सरकार के नाम पर 3800 रुपया उसके साथ जमा कर दो। आपका प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या है, उसी पर विश्वास है ना मोदी पर, तो तुम 3800 उसके खाता में जमा कर दूंगा। तब कहने का बात हुआ, जितना भाजपा वाला है
अंधभक्त है यानी नहीं नहीं फेकू चंद है फेकू चंद अच्छा फेंकता रहता है अगर मन उसे कहिए आपने सर आपने इतना मतलब ना उपलब्धि गिना दी सरकार की फिर भी देश के जो आम जनता है वोटर है वो नरेंद्र मोदी पर क्यों विश्वास कर रही है नहीं कर रही है अब मैंने जो गलती हो गई था पुलवामा जो हुआ था ना जी उसको पटा उस पर भजा लिया और माहौल ऐसा बना दिए कि देश का ये है जब जाके कहते हैं कि चीन आप पर कब्जा कर रहा अच्छा सर हाल ही में एक हमला घटना हुआ है मणिपुर का जो आपने सुना होगा बहुत ही शर्मनाक वो हमला घटना है उसको लेकर क्या कहेंगे आप मणिपुर का जो घटना है उसके लिए क्या इंसानियत हम इंसानियत सर्वसार और जहां तक मोदी जी का है मौनी बाबा बने एक बात बताइए इतना दुख का बात है इस पर कुछ कहने लायक कोई नहीं कहे कि देश का इज्जत है कि मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री दो घंटा बात करते हैं तीन घंटा बात करते हैं लेकिन जब इस पे बात करनी होती है तो 26 सेकंड सिर्फ बात करते हैं क्या आखिर वो जरूरत है कि इनके पास सारा जनता समझ गई है कि 24 में ना उनको मैंने विदा कर देंगे झोला उठा करके चले जाएंगे ये जो मणिपुर का घटना पर हम बहुत खेद व्यक्त करते हैं और मणिपुर का जो घटना है ना उसको हम बहुत हाईलाइट नहीं करना चाहते ताकि एक हमारी बेटी का सम्मान कर पाए बिल्कुल हमारे बेटी का मैंने ये हुआ है और उसके लिए इनका एक शब्द बोलने का समय नहीं है और किसी कोई होगा तो उस पर ट्रीप करेंगे एक अरे इनको तो रिजाइन दे देना चाहिए था इस्तीफा दे देना चाहिए इस्तीफा दे देना चाहिए था वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि सेना को वहाँ पर बुलाने की जरूरत है हकीकत है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके सेना को बुलाइए अच्छा सर चलते चल मान लिया जाए कि डबल इंजन का सरकार वहाँ पे नाकाम है कहीं सब जगह फेल है कहाँ नहीं फेल है उनका भी सरकार वो अपने एक बात बताइए राहुल गांधी का सदस्य क्यों गया मात्र एक के बात था कि 20,000 करोड़ किसका है 20,000 करोड़ जो है ना वो किसका है वो पूछ रहे अच्छा एक सवाल और बनता है सर अभी जो हाल ही में जो राहुल गांधी ने निकाला था कि यात्रा भारत जोड़ो यात्रा इसको लेकर के बहुत ही चर्चा रहा है क्या उससे ऐसा तो नहीं ना कि भाजपा सरकार डर गई है देखिए भारत जोड़ो यात्रा कई बार उनको भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें तो राहुल गांधी मैंने आम जनता की तरह हकीकत है कि राहुल गांधी बहुत नेक इंसान है लड़ाई जो है ना एक नेक से और एक फ्रॉड से होती है फिर भी उनके फ्रॉड नेक होने के बाद उनके उनके शराफत दिखने के बाद भी लोगों को ये लगता है कई लोग कहते हैं कि पप्पू है मतलब यानी बेवकूफ है मूर्ख कुछ बहुत लोग कहते हैं अगर आप ईमानदार हैं सच्चा हैं नेक हैं तो आपको मूर्ख लोग कहेगा बिल्कुल सही फ्रॉड है उसको तेज तरार और ये कहेगा अच्छा तो मोदी जी फ्रॉड है इसलिए लोग कहता है और ये नेक दिल इंसान है अच्छा सर कल का जो कार्यक्रम है चलते चलते अंतिम सवाल जो प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं उनके मतलब स्वागत समारोह के लिए जो चलेंगे पटना से तो कहाँ कहाँ कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे सब जगह बीच बीच में स्वागत होते रहेगा बिल्कुल और सब जगह से कल आप लोग कल का देखिएगा मजमा आपको पता चल जाएगा आज और कल में क्या अंतर अच्छा आज का जो भाजपा का जो था प्रोग्राम तो क्या सिवान में जो टाउन हॉल में था क्या आप लोग उस जो कार्यक्रम का टक्कर आप लोग दे पाएंगे अरे उसका टक्कर कहाँ टक्कर बनाएंगे भाजपा वाले तो बात बनाने में माहिर है वो बात बना रहे थे आदमी को गया था जी बिल्कुल है कि मैंने 500-1,000 गाड़ी था हम बताते हैं आदमी टाउन हॉल नहीं भरा था हम पता करवाए हैं आप लोग गए होंगे बिल्कुल हम लोग टाउन हॉल नहीं भरा था टाउन हॉल आप नहीं भरे तो रोड पर कहाँ से लोग आ गए बिल्कुल सही बात है तो इसलिए उन लोगों का फेकू चंद है फेंकता रहता है यानी कि जो भी बातें हैं इनके किताबों में और टीवी में यही सब में दिखाई देता है जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता है अच्छा सर कल के कार्यक्रम को लेकर लास्ट मंथी सवाल के जो आपके कार्यकर्ता हैं आम जनता है उनसे क्या आह्वान करेंगे कि तय समय पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो हम प्रत्येक मैंने भाई लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग समय पे मैंने 10:30 तक पहुँच जाइए टाउन हॉल और आप लोग अपना अपना कुर्सी ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद से हम लोग आप लोगों अखिलेश बाबू का जो वक्तव्य होगा उसका लाभ उठाइए और जय हिंद
जनता देख रही है, लेकिन कुछ लोग आपको जानना भी चाहेंगे, एक बार उनको अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं अशोक कुमार सिंह, पूर्व MLC प्रत्याशी, सिवान कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।